हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई, अपना भाई, योगा टीचर रवि भारद्वाज चाइना से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। आजकल चाइना के गांव में हूं 1 मंथ के लिए, तो यहीं से नई वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों, हमारी टैक्सी आ चुकी है। मैं योगिता और अमन को लेके आज जो है एक टेम्पल में लेके जाने वाला हूं। ओके ओके, को 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 इनसाइड गाड़ी। दोस्तों, ये है टैक्सी के अंदर का इंटीरियर, आप देख सकते हैं भाई, बहुत ही गजब का इंटीरियर है। स्पोर्ट्स मोड में भी चलती है गाड़ी, है इलेक्ट्रिक गाड़ी है भाई। आज जो है मैं अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा हूँ, और वहाँ पे अंदर जाके कैसा है, सुनने में आया कि वो जगह काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और हमने बहुत सारे ब्लॉग्स अपलोड कर दिए हैं ताली सिटी के सीरीज वाइज, आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जो सामने आपको पहाड़, ऊंचे वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हम यहीं पे जाने वाले हैं आज। यहाँ से अब जो है चढ़ाई शुरू हो जाती है माउंटेन्स की तरफ, हम जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे दोनों साइड पे जो है यहाँ पे लोगों की, लोकल के लोगों की पर्सनल विलाज, पर्सनल कोठियाँ हैं दोनों साइड पे। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी जो है लगातार पहाड़ों की तरफ ऊपर चढ़ती जा रही है। अब सामने ही बहुत एकदम खड़ी चढ़ाई आने वाली है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहाड़ों में ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, बारिश वाला मौसम हमेशा बना रहता है। पहाड़ों के अंदर एंट्री कर चुके हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ का व्यू है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। आई होप आप सबको भी ये बहुत पसंद आएगा। ये सामने हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ से मेन गेट है यहाँ का, और हमें यहाँ से एंट्री करनी है ऊपर के लिए। तो ये था भाई टैक्सी के अंदर का इंटीरियर, और इस भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। सीधा कैसी लगी चाइना की टैक्सी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और ये है यहाँ पे नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, चांगशान माउंटेन नेशनल पार्क। अगर माउंटेन के अंदर आपको जाके कुछ एडवेंचर करना है, तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। हमारे पास बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग अंदर नहीं कर सकते। घूमना फ्री है यहाँ पर, आप बिना टिकट के जा सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, सिर्फ आपको जो है एडवेंचर करने को नहीं मिलेगा। यहाँ से अब एंट्री होती है, ये यहाँ का मेन गेट है। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे पत्थर की बड़ी बड़ी सीढ़ियों से ये देखिए बनी हुई सीढ़ियाँ भाई, यहाँ पे इस तरह से बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। अमन अभी तो कोऑपरेट कर रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है, बट आगे का पता नहीं। मुझे पता है थोड़ी देर बाद इसको जो है मुझे अपने शोल्डर पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि ये पूरा रास्ता ऐसे ही चलेगा। बहुत खड़ी चढ़ाई आने वाली है सामने। यहाँ पे दोनों साइड पे मार्केट लगती है, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपको कपड़े चाहिए, स्वेटर चाहिए, यहाँ की लोकल स्वेटर, कैप, हैट, सब कुछ यहीं मिल जाएगा आपको। यहाँ पे स्मोकिंग एरिया भी है, आप चाहें तो यहाँ पे बैठ के स्मोकिंग कर सकते हैं। यहाँ के देखिए फ्रूट्स बहुत फेमस हैं ताली सिटी के। गो 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 गो। यहाँ पे हम पानी की बोतल खरीद रहे हैं। अमन यहाँ आ जा। यहाँ पे रुद्राक्ष और ये चंदन की मालाएं, मोती की मालाएं, और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए अमन जो है किसी आंटी जी के साथ ऐसे ही जा रहा है। देखिए यहाँ पे हैंडमेड आपको बैग मिल जाते हैं, हैंडमेड बैग। सन, यस सन, अमन ने यहाँ पे देख लिया, बोल रहा है सन, सच में सन ही बना हुआ है, सूरज मुझे पता ही नहीं था, इसकी नज़र बहुत तेज है भाई। ये देखिए ये यहाँ की ताली सिटी की लोकल स्वेटर है, इसको आप स्वेटर की तरह, शॉल की तरह पहन सकते हैं। योगिता अमन के लिए वहाँ से कुछ खरीद रही है, कुछ क्या हुआ क्या हुआ, बजाओ बजाओ अमन, फिर से करो एक बार। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये मिट्टी की बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ये मिट्टी से बनाया है, हैंडमेड है, तो इसको फूंक मारने से इसमें आवाज आती है। आंटी ने रेट बताया 10 युआन, ठीक है, और हमने दिया उनको 6 युआन।
यहाँ पे ऐसा ही चलता है, सस्ता कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको रेट जो है डबल लगा के रखते हैं। होता है भाई टूरिस्ट प्लेस पे ऐसा ही होता है ना, आप किसी भी देश में जाओ टूरिस्ट प्लेस में आपको चीज़ें जो है महंगी दिखाई जाती हैं, आप अगर बार्गेनिंग करते हैं तो सस्ता मिल जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉसिबल नहीं है कि अमन जो है एकदम से पहाड़ों पर चढ़ पाएगा, थोड़ी देर चलने के बाद जो ये रुक गया यहाँ पे, हाँ तो इसको ऐसे ही उठा के ले जाना पड़ेगा। अब बहुत सारी शॉप्स अभी बंद हैं क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए हैं मॉर्निंग में, तो बंद है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने ही रोप वे है, हम रोप वे का यूज़ नहीं कर रहे हैं भैया क्योंकि ये रोप वे आपको जो है टेम्पल में नहीं छोड़ती है, सीधा पहाड़ की चोटी पे जाके छोड़ती है, तो हमें वहाँ जाना नहीं है, हमें जाना है टेम्पल में यार माथा टेकने के लिए। जैसा अपना इंडिया में होता है मंदिर को जाते समय धूप बत्तियाँ रास्ते में बेचने वाले मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम होता है, आप चाहें तो धूप बत्तियाँ यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पहाड़ों में भी सफाई कर्मचारी आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि रोड को हमेशा साफ रखते हैं, रोड के ऊपर पत्ते गिरते हैं वो एकदम से साफ कर देते हैं। पापा का फोरहेड पकड़ लो बेटा। अमन ने बहुत जोर लगाया भाई चढ़ने में, तो मतलब काफ़ी देर तक चला, काफ़ी देर तक हिम्मत दिखाई अमन ने, तो थोड़ा थक गया, मैंने कहा चलो यार इसको अभी थोड़ा रेस्ट देता हूँ और एकदम से फिर बोलूँगा चलने के लिए। बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, देखो यार इनके पहाड़ों में कितना डेवलप है यार, ये देखिए दोस्तों पहाड़ों के अंदर के रास्ते, जंगलों के अंदर के रास्ते। ये देखिए दोस्तों जंगल के रास्ते थे, एकदम खड़े रास्ते थे, हम ऊपर आए हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है भाई यहाँ पे, रास्ता अच्छा बना लेकिन चढ़ाई बहुत है, और यहाँ पे रास्ते में ही एक हमें जो है भगवान बुद्ध जी का एक टेंपल और मिल गया है जो हम बोलते हैं लाफिंग बुद्धा, तो बिल्कुल उसी तरह का एक यहाँ पे है टेंपल, तो बहुत बड़ा पेट निकला हुआ है भगवान जी का, तो लाफिंग बुद्धा जी का यहाँ पे एक टेंपल है, आप देख सकते हैं हमारी बैक साइड पे, अगर यहाँ पे दर्शन करते हो तो भगवान आपकी ज़िंदगी में हमेशा हंसी खुशी भर देगा। टूट गई बेटे, टूट गई, देखो आपने तोड़ दिया इसको, तोड़ दिया, अब तो हाथ में चोट लग जाएगी आपके, तो ऐसे तो अभी कुछ ही देर पहले ली थी, आधा घंटा भी नहीं हुआ, 70 रुपये की ली थी, मतलब ये मान लो आप, ठीक है गए। तो यहाँ पे बात कर रहा था मैं लाफिंग बुद्धा जी की, तो यहाँ पे रास्ते में एक टेम्पल हमें मिल गया, सोचा कि इनके दर्शन करते चलते हैं, अपने सब्सक्राइबर को भी दर्शन कराते हैं, भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जिंदगी में हमेशा खुशी भर भर के आए। टेम्पल्स के बाहर जो है ना इस तरह के रहते हैं शेर, देखो अमन बोल रहा है ये वाला बोल लेके दे दो मुझे भाई कसम से यार, कभी कभी ना सोच के ऐसे हंसी आती है, इसके दिमाग में कहाँ से आते हैं ये सवाल, बोलता वो शेर के पैर के नीचे जो ये बोल है मुझे चाहिए, दे दो खींच के दो इससे बोले डर लग रहा है, आप लोग मुझे ये लेके दो, ये वाला बोल निकालो इसके हाथ के बाहर से। तो यहाँ पे भी द्वारपाल की तरह ना यहाँ पे शेरों को बाहर देखे, हर मंदिर के बाहर बड़े बड़े शेर मिलते हैं आपको, तो ये लाफिंग बुद्धा जी है आपको हंसते मुस्कुराते हमेशा मिलेंगे, और यहाँ पे भी द्वारपाल आप देख सकते हैं, ये एक द्वारपाल हैं और वहाँ पे भी एक द्वारपाल हैं, और लोग यहाँ पे भी पूजा करने के लिए आते हैं, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, और जो इनका पूजा करने का तरीका होता है वो भी बिल्कुल एक हिंदू धर्म के लोगों के समान होता है। देखिए संगीत की देवी भारत में माता सरस्वती बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ और नाम से बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब थोड़ा आगे लेके जाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, कुछ इस तरह के मंदिर हैं यहाँ पे चीन में, तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जो आप देख पा रहे होंगे, ऊपर जो छत बनी हुई है ये जो छत है इनके अंदर कोई भी कील सीमेंट कुछ भी सरिया यूज नहीं किया गया होता है, वो अच्छा पानी छोटी सी झील है नेचुरल वाटर है, और इसके अंदर जो है मछलियां हैं फिश। अब मैं आप लोगों को इसके अंदर ले जाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी एक छोटा सा गार्डन है, और गार्डन के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे फूल इन्होंने तैयार किए हुए हैं। वाओ दोस्तों इसको बिल्कुल पास में जाके देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये जो ऊपर आप पूरा छज्जा देख पा रहे हैं दोस्तों,
इसके अंदर कोई भी स्टील, सीमेंट, सरिया कुछ भी यूज नहीं किया गया है, लकड़ी से लकड़ी को जोड़ा गया है। मोस्टली यहाँ पे हर जगह पे सोलर लाइट का यूज़ होता है। ऐसे मंदिरों के अंदर आते ही आपका दिल जो है एकदम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, आपका माइंड एकदम से रिलैक्स फील करता है, बहुत शांत एक एनर्जी फील होती है यहाँ पे आके। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, अगर लाइफ में कभी भी आप जो है रोज़ अगर मंदिर नहीं जा पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन महीने में एक दो बार, दो चार बार कभी मंदिर में जाके आराम से बैठना चाहिए कुछ देर के लिए शांति से, बहुत एनर्जी मिलती है वहाँ से। रेड कलर के कुछ रिबन लोगों ने लिए हैं, उसके ऊपर अपनी विशेज प्रार्थनाएं लिखकर भगवान के यहाँ पे बांधती है। इन सब का भी विश्वास है कि भगवान इनकी विश को जो है पूरा करेंगे, इनकी जो प्रार्थनाएं हैं उनको सुनेंगे, इनकी दुआओं को सुनेंगे। बिल्कुल हिंदू धर्म में जो जो होता है, बुद्ध धर्म में भी वही सब आपको देखने को मिलता है। चाइना में आपको हर बुद्ध धर्म के टेंपल में आपको जो है एक बहुत बड़ा सा कुंड देखने को मिलता है, जो कि लोहे का बना है, पता नहीं कितने सालों पुराना है। इसके अंदर जो है अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, दो तीन कुंड तो इस तरह के आपको देखने को मिल ही जाते हैं। मंदिर के पुजारी जी ने अमन को जो है प्रसाद के रूप में एप्पल दिया है। सो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं एक दूसरे वाले मंदिर में, जो कि इससे भी बड़ा मंदिर है और यहाँ पे माउंटेन में है, उसके लिए हमें जो है और भी ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, तो इस टेंपल को 1000 ईयर्स हो गए हैं भाई, मोर देन 1000 ईयर्स, बहुत बड़ी बात होती है, 1000 साल पुराना मंदिर। ये देखिए दोस्तों 1000 ईयर्स ओल्ड टेंपल इन चाइना। ये देखिए दोस्तों टेंपल के एकदम बाहर बहुत बड़े पत्थर को इस तरह से काट कर इसके अंदर पानी भरा गया है। देखिए भाई इस पत्थर को अंदर तक काटने में और इस तरह का बनाने में कितना टाइम लगा होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, आप इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड सभी जगह शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।